कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आज हम लोग छत पे आए हुए थे और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं छत पे। इधर देख सकते हो आप, इधर तो सारे में धूप है। इधर जो जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं उधर नहीं है धूप, तो सब यहीं पे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे वैसे हमेशा प्लांट रहता है बट आज नहीं है, तो यहाँ पे खड़ी होकर मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि देख लो भाई कितना अच्छा लग रहा है पूरा गार्डन हमारा। सारे में फूल ही फूल खिले हुए हैं, ये देखो है ना। वहाँ देखो कितने सारे जो हैं गुलाब के हैं, वाइट वाले, वाइट और पिंक। और यहाँ पे नीचे मैक्सिकन पेटूनिया जो कि नहीं देख पाते हैं, अभी भी छुपी हुई है अपराजिता के बीच में, मगर बहुत है उसमें भी फूल है ना। फिर चलो नीचे तो, और यहाँ पे सेम अलामंडा में कितने फूल हैं देख सकते हो, कलियाँ कितनी हैं, फूल कितने हैं देख ही सकते हो आप। ये देखो देख रहे हो। और इधर आ जाते हैं फुलवारी में, कितने सारे फूल हैं। हमारी फुलवारी तो हमारी रेगुलरली खिलती है और बहुत ज़्यादा खिलती है। और इसमें अर्डेनियम में भी फ्लावर है रेड कलर का, बहुत सुंदर है। धूप आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसे कर रही है, देख ही सकते हो। और यहाँ पे हमारा ये है रेन लिली का, पिंक कलर का फूल खिला है। सेम यहाँ पे भी फुलवारी है। मिर्च हमारी काफ़ी सारी लग रही हैं और काफ़ी सारी टूट टूट के, टूटी तो नहीं मतलब तोड़ तोड़ के पता नहीं कौन ले जाता है, समझ ही नहीं आता। ये देखो रेड कलर की मिर्च और फूल बहुत सारे हैं, देखो ग्रीन मिर्च और फूल इसमें बहुत सारे हैं। टिकोमा के हमारे गोरी चोरी टिकोमा के जितने भी फूल थे वो सारे सूख के अब हट गए हैं, मगर दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे अंकल आंटी, यहाँ पे गुड़हल में आज बहुत सारे फूल निकले हैं, बहुत तो नहीं, तीन हैं जो गुड़हल के वाइट वाले में निकले हैं और दो पिंक वाले निकले हैं, देख ही सकते हो आप, ठीक है। येलो कलर का आज रोज़ निकला है, देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। भाई हिलना बंद हो जा, ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखो रेड वाला अभी मतलब खिल ही गया, ये इससे ज़्यादा और खिलेगा नहीं। यहाँ पे वाइट और पिंक का मिक्स है, उसमें भी फूल खिला हुआ है, वो पीछे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर है और बहुत अच्छा लग रहा है ये भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये रहा फूल कितना सुंदर लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा ये भी हिबिस्कस है, इनमें नहीं आ रहा है कुछ भी। यहाँ हमारे वाइट वाला देख लो, ये बिल्कुल आसमान में चला गया है ना, कनेर का पौधा, इसलिए इसके फूल दिख नहीं पाते हैं, मगर इतने ज़्यादा फूल हैं इसमें, इतने ज़्यादा फूल हैं आप देख ही सकते हो कितने सारे फूल हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। और जो इधर सारे हमारे कनेर हैं इसमें तो फूल आ ही नहीं रहा है, ये देख लो पर्पल कलर का कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ ये देख लो सारा मैक्सिकन पिटूनिया देख लो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारा, ठीक है। ये देखो साइप्रस वाइन में भी फूल अभी भी आ ही रहे हैं और बीज बन ही रहे हैं। यहाँ पे हमारे इसमें कॉसमोस में भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं। यहाँ पे पीछे ये 9 o'clock है, इसमें सारे फूल आके मुरझा गए हैं। यहाँ पे वैजंती माला के जितने भी बीज हैं मतलब मोती हैं वो सब पक चुके हैं, आप देख लो ब्राउन हो गए हैं, कुछ पक रहे हैं कुछ बन रहे हैं। ये देखो नए नए ना अभी बन भी रहे हैं, अभी ये बने नहीं हैं, ये कच्चा ही अभी बन रहा है, और बहुत सारे तो पक भी चुके हैं हमारे। और यहाँ हमारी अपराजिता घनी पे घनी होती जा रही है, मतलब अपराजिता तो बहुत ही घनी हुई है हमारी, उधर भी जो रखी हुई है वो भी इतनी घनी है और ये भी इतनी घनी है। और पर्पल हार्ट भी हमारा कितने अच्छे से चल रहा है। तोरी के पत्ते हम तोड़ते रहते हैं फिर भी इतने बड़े बड़े हो जाते हैं बारी बारी, अब वो हमारा हवा में, वो बिल्कुल हवा में है ना, इसकी वजह से दिख ही नहीं पा रहा है बेचारा फूल, मगर इतने सुंदर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इधर हमारा ये मॉर्निंग ग्लोरी के फूल खिल जाते हैं, मगर हम कभी भी नहीं देख पाते क्योंकि पता नहीं कब खिलते हैं। हमारी तोरी हमने पकने के लिए डाली थी ताकि ये पक जाएगी तब हम इसमें तोड़ेंगे बीज बनने के लिए। और ये हमारा फालसे का पेड़ बिल्कुल सूख गया है, देख लो कैसे कचर कचर इसके पत्ते बज रहे हैं। ये फालसे का पेड़ बहुत सूख गया है क्योंकि इसको, फालसे के पेड़ को पानी बहुत चाहिए। और देखो हमने ना वहाँ पर थर्माकोल रखी हुई है इसके बीच में ताकि वो अपने अंदर पानी जो है सोख करके रख ले और हमारा पौधा सूखे ना। फिर भी ये इतना ज़्यादा सूख गया, कुछ नहीं होगा, बस इसके पत्ते झड़ जाएंगे और दोबारा से फिर ये ग्रोथ करने लगेगा। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी में तो वैसे भी ये डोरमेंसी में बहुत अच्छे से चला जाता है। और मूंगफली का पौधा हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। इधर भी फुलवारी है, इधर झूमर में भी पूरे में फुलवारी लगी हुई, येल्लो फुलवारी देख लो कितनी ज़्यादा हो रही है, फुलवारी हमारे यहाँ बहुत है, ठीक है। और झूमर में भी बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं, इधर वाले झूमर में भी बहुत फूल हैं हमारे, ठीक। यहाँ पे हमारा गमला रखा था, गमले को हटा के हमने सिंगोनियम का बड़ा वाला गमला रख दिया यहाँ पे क्योंकि हमारा कंपोस्टिंग वाला गमला था ना, ये देखो यहाँ पे हमने सिंगोनियम का रख दिया है ताकि यहाँ पे जगह जो है स्पेस जो है कवर हो जाए। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा है, ये देख सकते हो आप नीचे से लेके यहाँ तक है पूरा, ठीक है। मनी प्लांट हमारा अब पता नहीं ग्रो करे ही जा रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। येलो कलर की बास्केट में लगा हुआ है, हेलमेट में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे दीवार पे हमने फ़ोटो लगा रखी है, ये देखो
हमें ये हमारे पास दो सूप है, दो नहीं है तीन चार सूप है, इसके अंदर भी है, छूंगी नहीं चिपकली हो सकती है। इस पर मुझे कलर करना है और सुंदर सा डिज़ाइन कुछ बनाना है। ये हमारा टर्टल वाइन बहुत अच्छे से चल रही है ये वाली भी, और इधर लगे हुए हैं दो में, ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। और एक और इनके टूर के साथ साथ मैं आपको कुछ नई चीज़ें भी दिखाती हूँ। ये देखो हमारे पास दो दो लेडी बग है, जो अभी कुछ दिन पहले से बन रही थी बट अब तैयार हो चुकी है। इसके बीच में हम या तो गमला फिक्स कर देंगे या फिर हम इन्हें ऐसे ही एज इट इज़ रख देंगे। आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर ये लग रही हैं, देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना। ये देखो दोनों साथ में रखेंगे तो कितनी सुंदर लग रही है, देख सकते हो आप। और इधर चलते हैं, इधर दिखाती हूँ मैं आपको एक बड़ा सा हमने पीओपी से मशरूम बनाया है। ये देखो ये रहा, हमने पीओपी से बड़ा सा मशरूम बनाया, काफ़ी भारी है ये, इतना भी भारी नहीं है मगर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और दिखाती हूँ मैं आपको, इधर चलते हैं, यहाँ मम्मी सारी सीडलिंग वगैरह लगा रही है, वो वीडियो भी आप चैनल पे देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे हमने बनाया है ये, ये देखो हमने पेंगुइन बनाया है, ये भी हमने बोतल से ही बनाया है, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। ये भी हमने बोतल से बनाया है, और ऊपर ये हमारा एक एलियन है जिसका मुँह नहीं है, क्योंकि एलियन का मुंह वो तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो ये हमने एलियन बनाया। और इसके अंदर हमने सक्कुलेंट प्लांट लगा दिया अपना, ये देख सकते हो, ये हमने पाइप यूज़ करा है, जो पाइप होता है ना ये वही यूज़ करा है। और ये हमारी दोनों बोतल है, ये बनाया हमने। आगे चलते हैं, आगे चलने पर हमें दिखेगी यहाँ पर एक मछली गोल गोल घूमती हुई, देख सकते हो हमने इसे नायलॉन के धागे से ऊपर बांध दिया है, और जैसे ही हवा चलती है ये ऑटोमेटिकली अपने आप घूमती रहती है। ये देखो कैसे घूम रही है ना। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी है, ये इस तरीके से है, इसकी एक ही आँख दिखेगी, ये देखो मुंह है इसका ये, और ये कितनी सुंदर लग रही है। और उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने दो मछली और बनाई है सेम उसी की तरह, ये वाली भी है, इसे भी धागे से ओवर बांध दिया है, इसका भी सेम वैसा ही मुँह है और आँखें बनाई हैं, और पीछे हमने इस तरीके से इसकी, ये देखो पीछे इस तरीके से हमने बोतल को कट करके बनाया। ये भी हमारी जो बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक की, उसी से बनाया है। यहाँ पे नीचे देख लो आप, इतनी बड़ी मछली है हमारी, कितनी सुंदर लग रही है, देख सकते हो आप। ये दो कलर की है, इसमें वाइट कलर के ऐसे छीटे छीटे पड़े हुए हैं, ये भी हमने नायलॉन के धागे से ऊपर बांध दी है, और ये भी सेम उसी मछली की तरह है, जैसे ये वाली मछली है और ये वाली मछली है और ये वाली मछली है। तो और इसमें हम प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो हमने ऊपर यहाँ पर इसमें होल भी किया हुआ है ना, इसमें हम प्लांट भी लगा सकते हैं, देख सकते हो आप, अभी बहुत अच्छे से चल रही है। और एक और दिखाती हूँ मैं, हाथी में मैंने लगाया था ना, हाथी में लगाया था, पुराने वाले हाथी में तो लगा ही हुआ था, और नए वाले हाथी में जब लगाया है तो वो भी अब हमारा चलने लगा है। ये देखो पुराना वाला हाथी तो ये रहा, इसमें जो कि चल ही रहा है अच्छे से, है ना, देखो कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है इसमें, तो आप देख ही लो। और जो नया वाला हाथी है उसमें भी अब ग्रोथ इसमें ने पकड़ ली है। और यहाँ पे हमारे सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, पेनी वॉट का पानी हम नहीं बदलते हैं, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करनी है उसकी वजह से नहीं बदलते हैं हम इसका पानी। और इधर जितने भी DIY हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं यहाँ पे। और नई चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हमने ये एक मछली बनाई है और ये दूसरी मछली बनाई है, देख ही सकते हो। और इधर भी हमारा पांडा वगैरह सब अच्छे से चल रहा है, कुछ प्लांट्स हैं जो थोड़े धूप में सूख गए हैं और तो कुछ भी नहीं है अब। और इधर भी हमारा सारा अच्छे से चल रहा है, हमारी इसमें देख लो आप साइप्रस वाइन में कितने सारे बीज, कितने सारे फूल आ रहे हैं, देख रहे हो कितने सारे फूल हैं ना। तो चलिए यहीं तक थी आज की ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।